दिस इज नीरज एंड यू आर वॉचिंग निकोलॉजी। आज मैं आपको सबसे बड़ा सफलता का गुरु मंत्र बताने जा रहा हूं। ये एक ऐसा गुरु मंत्र है जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, ये मेरी गारंटी है। ये कोई भी हवा में बातें नहीं है, ये सच्चाई है जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। एक चिड़िया का बच्चा जब अपने घोंसले से पहली बार बाहर निकलता है तो उसके पंखों में जान नहीं होती है। वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन जरा सा उड़कर गिर जाता है। वो पहली बार अपने पंखों को खोलने की कोशिश करता है मगर उड़ नहीं पाता है। वो फिर से दम भरता है और फिर से उड़ने की कोशिश करता है लेकिन फिर से गिर जाता है। वो उड़ता है और गिरता है, वो उड़ता है और गिरता है, बार बार गिरता है। इसी तरह वो कितनी बार अपने आप को गिराता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हजारों बार वो गिरता है लेकिन वो उड़ना नहीं छोड़ता। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने पंखों से उड़ना सीख लेता है, जब वो अपने दम पर उस आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है जिस आसमान का उसने सपना देखा था और उस आसमान को अपना बनाने की कोशिश करता है। वो अपने पंखों के दम से जहां तक उसकी नजर जा सकती है, जहां तक उसका दम है, वहां तक वो उड़ने की कोशिश करता है। जिंदगी में अगर उड़ना है तो गिरना सीख लो, क्योंकि आप गिरोगे, एक बार नहीं हजारों बार गिरोगे, उसी चिड़िया की तरह जितनी बार वो गिरी थी उतनी बार आप गिरोगे, लेकिन एक ना एक दिन आपके सपने पूरे होंगे। आपको गिरकर फिर से उठना है और फिर उड़ना है। याद करो वो बचपन के दिन जब आपने पहली बार चलना सीखा था, जब आप छोटे थे वो कितनी बार आपने कोशिश की होगी चलने के लिए। पहली बार चलना आपने जब सीखा था कितनी बार आप गिरे थे। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं तो एक बार अपने मम्मी पापा से पूछ कर देखिए आप कितनी बार गिरे थे। आप भी गिरे ज़रूर होंगे, एक नहीं हजारों बार गिरे होंगे और कई बार तो आपने चोट भी खाई होगी। छोटी मोटी चोट नहीं, बड़ी बड़ी चोट खाई होगी। कितनी बार आपके दांत टूटे होंगे, कितनी बार आपने मम्मी पापा से डांटे खाई होगी उसी चलने के कारण। तो कितनी बार आपके हाथों में चोट लगी होगी, तो कितनी बार आपके घुटनों में चोट लगी होगी और कई बार तो सर से भी आपके खून निकला होगा उसी चलने के कारण, बार बार चलने के कारण, और आखिरकार पट्टी बांधकर उसको अच्छा कर दिया गया होगा। लेकिन फिर से याद कीजिए वो बचपन को, सर पे पट्टी बंधी थी, पैरों में चोट लगी थी, हाथों में चोट लगी थी, दर्द भी हुआ था, लेकिन माँ की नज़रों से बचकर आपने भी चलने की कोशिश की होगी, आपने भी दौड़ने की कोशिश की होगी कि कहीं थोड़ा बहुत भी मैं आगे चल जाऊँ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उस टाइम पर ना ही आपको गिरने का डर था, ना ही आपको किसी चोट की परवाह थी, बस आपको सिर्फ चलना था, आपको सिर्फ सीखना था कैसे चलना है। और आप भी जानते थे कि तब तक हार नहीं माननी है जब तक आप चलना सीख ना जाए, क्योंकि आपको भी दौड़ना था, आपको भी चलना था, लोगों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ पैरों से पैर मिलाकर आगे बढ़ना था। आपका मन नहीं मानता था, आप सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था आपका मन और आप भी। सोचो उस बचपन की बातें, आपके अंदर कितनी हिम्मत थी, आपके मन में एक गोल था कि सिर्फ मुझे चलना है, कुछ भी हो जाए मुझे चलना सीखना है। आखिरकार आज आपने चलना सीख लिया। चलना क्या, आज आपने दौड़ना सीख लिया, आज आप लोगों के साथ कदम मिलाकर चल सकते हैं, आज आप लोगों के साथ दौड़ सकते हैं। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पर आप गिरने से नहीं डरते थे, आप चलने से नहीं डरते थे, क्योंकि आप आने वाली मुसीबतों से नहीं डरते थे और आपका सिर्फ एक ही गोल था, सिर्फ मुझे चलना है। लेकिन ज़रा एक बार सोचिए, वो बचपन चला गया, आपके अंदर समझ आ चुकी है, आप बड़े हो चुके हैं, इसीलिए आपके अंदर डर भी बढ़ गया है। इंसान जब भी कोई नया काम करने की कोशिश करता है
तो उसके मन में गिरने का डर होता है, वो बचपन में नहीं था। आपके अंदर भी डर रहता है क्योंकि आप समझदार जो बन चुके हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट के अंदर डर रहता है कि पहला इंटरव्यू कैसा होगा, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। बिजनेसमैन डरता है कि नया बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया लेकिन चलेगा या नहीं चलेगा। क्रिकेटर सोचता है कि मेरा पहला मैच है, रन बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। सोचो ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कितने लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने ये काम तो शुरू कर दिया, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मैं यहाँ जॉब पर तो जा रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अरे इतना भी क्या डरना अपनी ज़िंदगी से, उससे अच्छे तो हम बचपन में थे। जो होगा देखा जाएगा ये सोचकर हम कोई भी काम कर लेते थे और उसमें हमें खुशी भी मिलती थी। सोचिए वो खुशी को कि हम जब बचपन में थे तब कितनी खुशी मिलती थी कोई भी काम करने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए हम वो काम करते थे। इतना डर कर तो नहीं जीते थे ना, हजारों बार गिरकर भी हमने चलना सीखा था। हजारों बार चोटें खाने के बाद भी हमने चलना थोड़ी ना छोड़ दिया था। सर में खून निकलता था तो भी हम छोटे छोटे कदम चलने की कोशिश करते थे। और एक तुम हो जो बचपन से पूरे बदल चुके हो, थोड़ी सी समझदारी क्या आ गई, थोड़े से समझदार क्या बन गए, तुम तो ना समझ से भी बेकार जिंदगी जीने लग गए हो। अगर आपके अंदर अभी भी वो समझदारी का भूत सवार है तो एक बात याद रखना कि दुनिया में कोई भी इंसान इतनी आसानी से सफल नहीं होता। ठोकरें खानी पड़ती है, गिरना पड़ता है, लोग मजाक बनाते हैं, वो सब कुछ सहना सीखना होगा। अगर सिर्फ उसी ठोकरों से डरने लग गए तो सफलता कैसे मिलेगी। ये जिंदगी की राहों में चाहे कितने भी पत्थर क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी बार आप क्यों ना गिरे, आपको अपना गोल नहीं छोड़ना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। यही जो ठोकरें आपको लगती है, यही जो आपकी जिंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, चाहे कितनी भी बुरी जिंदगी क्यों ना हो जाए, यही आपके एक एक कदम मजबूत बनाती है, यही आपको चलना सिखाती है, यही आपको एक दिन दौड़ना सिखाएगी, ताकि जिंदगी में फिर से कभी आपको ठोकर ना खानी पड़े और जिंदगी में आप उस लेवल तक पहुंच पाए जहां आपको पहुंचना है और आप दुनिया में सबसे सफल इंसान बन पाए। और एक बात ज़रूर याद रखना कि उड़ना है तो गिरना पड़ेगा, दौड़ना है तो चलना पड़ेगा और सफल होना है तो लड़ना पड़ेगा। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आज आपने क्या सीखा। और निकोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, द कम्युनिटी ऑफ ग्रेट थिंकर्स, जहां मैं सपोर्ट करता हूं आपके सपने और आपके विचारों को। एंड दिस इज नीरज फ्रॉम निकोलॉजी। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।